तो इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट अपना कंप्लीट किया था जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का, उसमें मैंने आप लोगों को 5.1 का बेसिस सिखा दिया था। अभी 5.1 के ऊपर जो भी क्वेश्चन तुम्हारे अगर एसएससी बोर्ड के अंदर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो अपना रबर पेंसिल रिजल्ट निकाल लो, हम लोग अपना स्टार्ट। प्रॉब्लम सेट 5.1 सेट करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखो आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये अपने को निकालने बोल रहा है, अपने को बोल रहा है डिस्टेंस निकालो। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, ए वो क्या दिया हुआ है 2, 3, और फिर बी क्या दिया हुआ है इसका 4, 1। अब बोल रहा है इसका डिस्टेंस निकालो। तो मैंने आप लोग को बेसिक चैप्टर में समझाया था कि जो ए है, जो भी है तुम्हारा 2, 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, x1, y1। और जो तुम्हारा b है वो क्या है तुम्हारा 4, 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, x2 और y2। तो अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले ही देख रहे हैं मेरा ये फर्स्ट सेकंड पार्टी देख रहे हैं, तो वो ये जो होता है ना बेटा, ये इक्विवेलेंट की साइन होती है, इक्वल की साइन होती है, इक्विवेलेंट की साइन होती है, इसका ख्याल रखना अच्छे से। तो इक्वल की साइन है और हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा याद है ना, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी x2 मंजे क्या, x2 मंजे 4 माइनस x1 मतलब क्या 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब क्या 1 और y1 मतलब क्या 3 द होल स्क्वायर। ये माइनस क्वेश्चन का माइनस, मतलब फॉर्मूले के अंदर जो माइनस था वो वाला माइनस है। अभी 4 में से 2 कर माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और यहां पे 1 में से 3 माइनस करोगे -2 बचेगा, इधर पे स्क्वायर लग जाएगा। अभी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, तो यहां पे क्या आ गया आपका रूट के अंदर 8। और रूट का 8 अगर निकालना चाहो तो देखो यहां से देखो, अगर रूट 8 मतलब इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 8 आ जाएगा। तो रूट 8 को तो मैसे ले सकते हो 2 × 2 × 2, एलसीएम निकाल कर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब ये 2 का 1 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2, और अंदर क्या बचेगा 2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है आपका, डिस्टेंस ऑफ ए बी है आपका 2√2। ठीक है, अगर किसी को यूनिट की ख्वाहिश पैदा हो रही है अंदर तो यहाँ पे यूनिट लिख दो, क्योंकि सेंटीमीटर और वो सब तो बोला है नहीं, तो आप 2√2 यूनिट लिख देना। ठीक है, गलत नहीं रहेगा, सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब सेम ही है, सारे क्वेश्चन कराना मतलब बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, आपका टाइम उस जाएगा, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, तो जो जरूरी है वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 करा देता हूँ। ठीक है ना, 3 देखो क्या लिखा हुआ है, आर 0, -3 और S 0, 5/2। सिंपल सी बात, पहले क्या लिखा हुआ है R 0, -3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x1, y1। फिर S ये क्या लिखा है बेटा आपको 0, 5/2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं x2, y2। वेरी गुड बॉय, अब क्या करेंगे गर्ल, वो भी डिस्टेंस ऑफ आर एस, ये क्या हो जाएगा आपका, लगा दो फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी x2 कितना है आपका, x2 गिनो जरा, x2 जीरो है, माइनस x1 वो भी जीरो है। ठीक है, तो द होल स्क्वायर पास मारी कि नहीं आ रही, y2 है आपका देखो 5/2, फिर ये माइनस का लगाया, फिर y1 तुम्हारा -3 बेटा, तो इसको इधर पे रखूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर पे रखूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो इसका कुछ मतलब रहने वाला ही नहीं, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा सीधा। यहां क्या बचेगा आपका बेटा 5/2, -, प्लस यहां पे 3 और यहां पे द होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर और ये कैंसिल, तो तुम्हारा बचेगा क्या यहां पे, ये तो रूट कैंसिल हो गया ना, क्या बचेगा खाली बस 5/2 + 3। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, 2 × 3 क्या हो जाएगा इधर पे 6, 5 × 5 और नीचे 2 × 2, तो प्लस कर देंगे 6 + 5 = 11 और यहां पे क्या हो जाएगा 2, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ आर एस तुम्हारा क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, इजी है एकदम। अभी इसके देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, पूरा डिटो कॉपी है। एक और क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूं, क्योंकि वाला क्वेश्चन में सारा माइनस है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेंगे हम लोग, पहले आप इसको इतना कॉपी कर लो।
ठीक है, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर फोर बोला था ना, देखो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है इसके अंदर L, L कितना दिया हुआ बेटा, 5, -8। M ये क्या लिखा है बेटा, -7, -3। एकदम कॉपी करो मेरा जो तरीका था। L आपका क्या लिखा हुआ है, 5, -8। इसको आप बोल देंगे बेटा x1, y1। ओके, फिर M, M क्या आपका बेटा, -7, -3। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, x2, y2। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ एल एम इज इक्वल टू व्हाट इज योर फॉर्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी x2 सही कर लो, x2 कितना, घैया मत भेजा तुम लोग, आराम से लिखना। ठीक है, x2 क्या है देखो आपका, -7, तो -7, फिर ये माइनस का माइनस। x1 क्या है आपका, 5 द होल स्क्वायर। बस भाई ना, ये जो माइनस है ना बेटा, इसका माइनस है, और 5 तो खाली 5 है तुम्हारा, ये जो माइनस लगा है वो था ओरिजिनली x2 का ऐसा। प्लस y2 मतलब क्या बेटा, -3, फिर क्वेश्चन का माइनस। y1 क्या आपका, वो भी -8 है, तो उसको ऐसा लिखो। क्लियर हुआ ना बेटा, आगे देखो, माइनस माइनस प्लस, 7 + 12 = 5, 12, तो -12 द होल स्क्वायर या -12 द होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहां पे माइनस थ्री इसी रहेगा और यहां पे स्क्वायर। ठीक है, आगे -12 का स्क्वायर तो 144 आ जाएगा, प्लस 8 - 3 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 क्या बचा, 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 25। राइट, अब अगर तुम 25 का स्क्वायर निकाल दो तो 20 मतलब 25 आएगा, 25 क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका बेटा, रूट के अंदर 5 + 4 = 9, 2 + 4 = 6, और यहां पे 1, मतलब रूट के अंदर क्या आ गया आपका, 169, और 169 किसका रूट होता है बेटा, 13 का रूट होता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ एल एम जो इतना हार्ड था, माइनस माइनस लगा हुआ था, उसका आंसर आ गया 13। कभी कभी एकदम सिंपल आंसर आता है, कभी कभी टाइम लगता है आंसर के अंदर, मतलब थोड़ा सा अजीब आंसर आएगा, रूट में आंसर आएगा, थोड़ा सा रूट से बाहर निकलेगा, वो अपना अपना फंड है, तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए। कभी ऐसे कंफ्यूज होता था ना कि ये एकदम ये आंसर सही, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नंबर देखा है हमेशा, रूट का नंबर कभी देखा ही नहीं है। देखे हो आप लोग रूट का नंबर भी, देखे हो तरीके से लिखोगे तो तरीके वाला आंसर आएगा। अब वो आंसर चाहे कितना भी हार्ड रहे, वो डिपेंड करता है कि बोर्ड वाला चाहे तो उसको चेंज कर देगा ना तुम्हारे लिए, ताकि तुम रट्टा मार के रखे हो तो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना जरा कि किस तरह रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मेन मेन क्वेश्चन, जरूरी जरूरी क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है डिटरमाइन whether the points are collinear। यहां पे देखो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पार्ट 1 के अंदर मैंने बच्चों डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया था, 5.1 के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला एक ही लगेगा आपका, वो तो एकदम चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, अलग अलग चीजों को लेकर सॉल्व किया गया उसके अंदर, तो वो देखना पड़ जाएगा आपको। अभी कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने उसके अंदर, छोटा सा रिविजन दे रहा हूं। कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखो जब कोई भी 3 पॉइंट आपका हो, 3 पॉइंट मैं 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट तो हमेशा लाइन तुमको देगा, कोलिनियर पॉइंट ऑलवेज हैव अ कंपोनेंट ऑफ 3 पॉइंट और मोर देन 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके पास 3 पॉइंट है और वो 3 पॉइंट ऐसे है कि वो तीनों लाइन में है, तो आपने उसके ऊपर से लाइन बना दिया, ऐसे लाइन ऐसे अरेंज है कि उसके ऊपर से एक पर्टिकुलर यूनिक लाइन चली जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर क्या रहेंगे बेटा, जो ऐसे रहेंगे कि उनके ऊपर से लाइन ना जा पाए, समझ गए अच्छे से ना। अब इसके अंदर और कॉन्सेप्ट रहता है, समझो अगर ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 9 है, तो तुम्हारा टोटल कितना रहेगा बेटा, 12। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस ऑफ ए सी है, बड़ा वाला है, वो 12 है, और डिस्टेंस ऑफ ए बी वो कितना है तुम्हारा, 3 है, और डिस्टेंस ऑफ बी सी वो तुम्हारा कितना है बेटा, 9 है। और इससे क्या क्लियर हो रहा होगा मेरे बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ जो ए सी है तुम्हारा, वो दो चीज के मिलके बना हुआ है, ए बी को जब प्लस कर दिया हम लोगों ने किसके साथ बेटा, बी सी के साथ, तो तुम्हारा क्या बन गया, ए सी। समझे कि नहीं समझे, जब तुमने इस वाले टुकड़े को इस वाले टुकड़े के साथ प्लस किया, ए बी को बी सी से प्लस किया, तो तुम्हारा 12 बना, मतलब ए सी बन गया तुम्हारा।
और अगर ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि दोनों छोटे को प्लस करके बड़े वाले के बराबर ला रहा है, ऐसा कोई नंबर है, तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे कि ये कोलिनियर नंबर है या तो कोलिनियर पॉइंट से। बात समझ रही कि नहीं आ रही? अगर इनके समय ऐसा बोलता है कि एक नंबर पांच है, एक नंबर छह है और एक नंबर तेरह आ रहा है, तो दोनों छोटे कौन से बेटा? पांच प्लस छह। इसको क्या प्लस करने पे तेरह आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है, तो ग्यारह होता है, तो बराबर आ रहा है क्या? नहीं। मतलब क्या कि ये जो पॉइंट होंगे, ये जो नंबर होंगे एक दूसरे के कहीं भी अरेंज होंगे, वो कोलिनियर में ही होंगे, वो ऐसे में होंगे शायद से। ये तीन होगा, ये छह हो, ये तेरह होगा, छह होगा, पांच होगा, तभी तो प्लस करने पर बराबर नहीं आ रहा, और अगर होता तो बराबर आता हो। तो कोलिनियर कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर बेटा थ्री देखो, क्या लिखा हुआ है? आर दिया हुआ है तुमको 0.3, फिर तुमको डी दिया हुआ है, क्या दिया बेटा देखो 2.1, फिर तुमको दिया हुआ बेटा एस, वो क्या दिया हुआ है 3.-1। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये समझ गया ना? क्या बोले? अब क्या करेंगे इसको हम लोग? हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आर है 0.3, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? x1, y1 बोल सकता हूं। जो तुम्हारा d है वो क्या है देखो 2.1, उसको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? उसको x2, y2 बोल सकता हूं। तीसरा देखो s, वो क्या दिया बेटा 3.-1, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? उसको बोल सकता हूं मैं x3, y3। अब क्या करेंगे? निकालना शुरू करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा आर डी का डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ आर डी इज इक्वल टू फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, आर और डी में एक वाला एक्स टू है, एक एक्स वन है, तो बड़ा कौन है? एक्स टू। नंबर नहीं देखना आपको, ये देखना है टू बड़ा है कि वन, तो टू बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? x2-x1 द होल स्क्वायर प्लस y2-y1 द होल स्क्वायर, एज सिंपल एज। x2 क्या है आपका? x2 है 2 माइनस x1 क्या है आपका? 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 1 है 1, और y3 क्या आपका? 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे? वेरी गुड। अब देखो 2.0 0, 2 माइनस 0 2 होता है ना, हाँ, तो 2 में से हम लोगों ने 0 निकाल दिया, तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यहां पे 1 में से अगर हम लोगों ने क्या निकाला? 3, तो बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4+4 8, तो इधर लिख देता हूं मैं रूट के अंदर 8, और 8 का रूट मैंने इससे पहले समझाया था कि क्या होता है बेटा? 2√2 होता है। तो यहां पे तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ आर डी ये तुमको दे दिया बेटा 2√2, सही से लिख देता हूं मैं। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देना। इतना बात समझ आ गया? अब आर डी निकालिए, अब डी एस निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ डी एस, फॉर्मूला लगाएंगे ना। अब देखो डीएस बोला हुआ है, डीएस ये देखो डीएस बोला हुआ है ना, तो डीएस में देखो एक 3 वाला है, एक 2 वाला है, तो बड़ा कौन हुआ? 3। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा इसका? x3-x2 द होल स्क्वायर प्लस y3-y2 द होल स्क्वायर। अब x3 मतलब क्या? x3 मतलब हो गया आपका ये क्या है? 3 माइनस x2 क्या हो गया बेटा? 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 मतलब क्या बेटा? -1 माइनस ये कितना हो गया बेटा? 1 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा देखो, 3-2 कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1-1-2 द होल स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस करके बेटा रूट का अंदर 5। मतलब डिस्टेंस ऑफ डीएस तुम्हारा निकला ही √5, तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, कुछ ऐसे निकलता नहीं इसका बाहर। तो यहां पे डीएस कर लिया, आरडी कर लिया, डीएस कर लिया। एक नंबर, तीन नंबर होने चाहिए कोलिनियर के अंदर, एक नंबर तुमने ये निकाला, एक नंबर तुमने ये निकाला, एक और नंबर निकालेंगे आर एस को करके, मतलब डिस्टेंस ऑफ आर एस का कैलकुलेशन लेंगे। अब उसका फॉर्मूला देखते क्या रहेगा। आर देखो, एस देखो, आर देखो, एस देखो, बड़ा कौन है? 3 वाला। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा इसका? x3-x1 द होल स्क्वायर प्लस y3-y1 द होल स्क्वायर। अभी यहां पे चेक करो, x3 कितना है आपका? x3 दिया हुआ है 3, x3 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया हुआ है? 0। तो 3-0 कितना हो गया?
थ्री माइनस जीरो ठीक है, आगे छोड़ दो आगे, वाई थ्री कितना आपका माइनस वन, और फिर माइनस वन कितना दिया हुआ y में थ्री द होल स्क्वायर, ठीक है समझे नहीं समझे, x y थ्री माइनस वन था, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाया मैंने, फिर यहाँ पे y वन आपका थ्री है वो लगा दिया, अभी थ्री माइनस जीरो होता है बेटा थ्री का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वन प्लस थ्री फोर माइनस फोर का स्क्वायर, जब आप लोग निकालोगे ये थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, इसका होता है 16, तो आ जाएगा आपका बेटा 25 रूट के अंदर, और रूट 25 का होता है बेटा 5 होता है, तो तुम्हारा देखो डिस्टेंस ऑफ आरएस क्या निकला, डिस्टेंस ऑफ आरएस सही से लिख दो सर, तो ये हो गया इतना इक्वेशन नंबर 3, सन्नाई बात क्या आई, एक अपना आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, क्या ये लग रहा है कि कुछ ऐसा प्लस बड़े वाला क्या छोटे वाले का प्लस के बराबर कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे देखने में तो नहीं हो रहा है, अब कहां कराऊं, देखो यहां देखो, देखो समझो क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बताओ इसके अंदर, देखो ये तो तुम्हारा रूट एट था, देखो सबका रूट क्या देखोगे तो ये रूट एट है, ये रूट फाइव है, और ये रूट 25 है, तो बड़ा कौन हो गया रूट 25, मतलब क्या डिस्टेंस ऑफ आर एस बड़ा हो गया, तो छोटे कौन हो जाएंगे बताओ जरा, डिस्टेंस ऑफ आर डी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या डिस्टेंस ऑफ डी एस, समझे नहीं समझे, आर एस बड़ा क्यों, क्योंकि इसका रूट में बड़ा है तो वो बड़ा हो गया, बाकी दोनों छोटे प्लस होना चाहिए, समझ गया ना, अब डिस्टेंस ऑफ आर एस कितना है बेटा 5 है, आर डी कितना, आर डी निकला आपका 2√2 प्लस डी एस कितना बेटा रूट 5 निकला हुआ है, अब तुमने अगर नौवीं पढ़ा है तो तुमको पता है कि प्लस करने के लिए रूट सेम होना चाहिए, तो रूट सेम है नहीं तो प्लस होएगा नहीं, तो तुम्हारा 5 बराबर आएगा ही, मतलब ये तो इसके बराबर है नहीं, तो ये भी इसके बराबर है नहीं, मतलब क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर क्या बोलेंगे आर कॉमा एस कॉमा डी, आर एस डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा, और अगर बराबर आ जाता कि हाँ उसको प्लस करने से वाला हो रहा है तो तुम बोलेंगे देयरफॉर आर एस डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, बात मेरी की नहीं आ रही है, अब एक और सवाल आता है कि अगर कोलिनियर है, चलो भाई कोलिनियर बता दिया सर आपने, सवाल ये आ जाता है कि बिना बनाए डायग्राम बता के दिखाओ तुम कि बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, देखो तीन पॉइंट लगातार आते हैं ना, तो उसके बीच में कोई पॉइंट आता है तो बीच वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, तो कैसे चेक करना, देखो जरा अगर ये बराबर होता है इनकेस तो तुम्हारा सबसे बड़ा कौन सा हो गया आर एस, मतलब आर पहले रहेगा एस आखिर में रहेगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा डी, तो डी कहां बचेगा बीच में, तो डी कम्स बिटवीन आर एंड एस, समझा, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन ही कराया हूं, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसका, क्योंकि इजी है, एक बार पहले आरडी का निकालो इक्वेशन 1 बोल दो, एक बार डीएस का निकालो इक्वेशन 2 बोल दो, एक बार आरएस का निकालो इक्वेशन 3 बोल दो, फिर ऐसे एक्टिंग देख लेने का, फिर एक्टिंग कर लेने का, इधर बस में आएगी ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, कि थर्ड क्वेश्चन देखो किसके ऊपर है मालूम है, इक्वी डिस्टेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर है बेटा, इक्वी डिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, एक समझदारी होती है, उसके ऊपर से पूछा गया सवाल, समझा दो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ये y एक्सिस है बेटा, पता है ना कि ऐसे में क्या होता है, एक होता है x, एक होता है y, तो आपका y एक्सिस की बात किया गया है, y एक्सिस फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस को आपको पता करना है कि कौन सा वो पॉइंट है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं मतलब किताब कर रही है, ठीक है, अब एक बात क्लियर कर देता हूं मैं, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट तुम्हारा y एक्सिस पे आता है तो उसका x जीरो रहेगा, मतलब तुम्हारा x जीरो रहेगा, y will be something that we don't know कि वो है कहां पे, वो चाहे तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव में भी हो सकता है, अभी मैं फिलहाल के लिए इधर बना रहा हूं क्योंकि एक टाइम पे एक जगह पॉइंट लेकर सॉल्व कर सकता हूं मैं, हो सकता है कि मेरा y माइनस में है तो मेरा पॉइंट यहां से रख के आ जाएगा, लेकिन मेरा y एक्सिस के ऊपर y x तुम्हारा क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, दैट क्लियर, ओके आगे, फिर बोला भाई कि a एक तरफ है, पॉइंट ए एक तरफ है जिसका आपको दिया हुआ ये है 6.5, और एक पॉइंट बी है जो कि एक तरफ है,
और उसका दिया बेटा आपको माइनस फोर कॉमा थ्री, और वो दोनों का डिस्टेंस y से मतलब बराबर है। मतलब अगर मैं इसको बोल दूं O, मतलब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ जो AO है वो बराबर किसको हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ OB के। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, समझ गया, एक बार समझा गया ना। तो इससे पहले देखो A जो तुम्हारा क्या है, देखो जरा 6.5, इसको मैं बोल सकता हूं x1, y1। फिर तुम्हारा O आ रहा है, O O क्या तुम्हारा, देखो जरा y, 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0, y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x2, y2। फिर तुम्हारा लास्ट में बी है, बी क्या दे बेटा -4, 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x3 - x3, y3। क्लियर हो गया ना। अब जो क्या सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AO, AO तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, उसके अंदर रूट के अंदर x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, है कि नहीं, y2 - y1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OB, ओवर भी देखो तो क्या रहेगा फॉर्मूला उसका बेटा x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। अभी दोनों तरफ देखो रूट है, वैल्यू पुट करने से पहले दोनों तरफ रूट काटे तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। x2 कितना आपका, x2 है बेटा 0, x1 है आपका 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका बेटा, y है वो, y छोड़ दो उसको ऐसे, तो y लिख दो, y2 मत लिखना, y लिखना, और y1 कितना आपका बेटा 5 है द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट नहीं लगेगा क्योंकि रूट कैंसिल हो चुका है, x3 - 4 - x2 कितना आपका 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 means what? 3 minus what? Minus 0 minus y the whole square. बस मैं लिखने आई बेटा, वेरी गुड, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब देखो बेटा 6 में से 0 माइनस करोगे तो तुम्हारा 6 ही आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस y माइनस 5 है तो इसको y माइनस 5 द होल स्क्वायर ही लिखो, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और जब 4 का स्क्वायर निकालोगे 16 आएगा, प्लस इसको भी तुम कैसा रखो बेटा, ऐसे ही रखो, ठीक है, सॉल्यूशन आएगा आएगा। इसको खोलोगे कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी 36 प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या बेटा, वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab मतलब क्या, 2 × y × 5, 2 × 5 = 10, 10 और y हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या बेटा, 25 हो जाएगा सीधा, इज इक्वल टू 16 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2 × a × b मतलब क्या, 2 × 3 = 6 × y, 6y, और फिर b का स्क्वायर मतलब क्या बेटा, y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ का y स्क्वायर तो कैंसिल, ठीक है, और देखना 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 + 5 = 11, और ये हो जाएगा आपका 3 + 4 = 61 हो गया, और यहाँ पे -10 में बचा हुआ है, इसे कोल्ड यहाँ पे भी देखो 16 + 9 हो जाएगा तुम्हारा 25, और यहाँ पे -6 में बचा हुआ है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर दो, -10y को उधर लेकर चले आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो अगर इस -10y को उधर पे लाते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा -6y है तो यहाँ पे हो जाएगा +10y, और यहाँ पे 61 के पास 25 लेके आते हो, 61 के पास 25 तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस करोगे इससे तो 61 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 7, 5, 11 में से 5 गया 6, 5 36, कितना बचेगा आपका 36 बचेगा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 10y में से 6y गया, बचा 4y, फिर 36 के नीचे आ गया आपका 4, तो यहाँ बचेगा y, तो काटेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9, मतलब वो है क्या तुम्हारा y एक्सिस पर पॉइंट क्या है, तो सॉल्यूशन से क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन दैट देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस will be what? 0.9, क्योंकि तुम्हारा x तो 0 रहेगा ही रहेगा, गरज है उसकी, उसको रहना पड़ेगा वैसा, ठीक है, और बाकी ऐसा रहेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है।
थोड़ा सा लंबा है, तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन यूज हो गया इसके तरह अलजेब्रा का। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है बेटा, अगर कोई बच्चा देखो यहां पे समझ नहीं पा रहा होगा तो दोबारा पीछे करना, नहीं समझ में आया बेटा तो अलजेब्रा के मेरे चैनल पे जाओ आप लोग, उसके अंदर अलजेब्रा पे एक्सप्लेनेशन दिया हूं मैंने, उसमें जाके दोनों समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो धीरे धीरे पढ़ाई होगी ना तो अच्छी होती है, घाई घाई के अंदर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अंदर कोई मैथ्स की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती है। एजुकेशन शुड बी, अगर एजुकेशन का वीडियो देखना चाहो यूट्यूब के ऊपर तो 5-10 मिनट की कोई वीडियो हुई आ गई तो समझो तुमको चुना लगा रहे हो। 10 मिनट में कौन यार, 10 मिनट में तो फिर मैं ही पढ़ा दूं ना, मेरे को भी देखो कितना पसीना हो रहा है, पंखा बंद रहता है, पंखा बंद बड़ी बड़ी लाइट चालू तकलीफ होती है, तो 5 मिनट पढ़ा रहे तो फिर क्या यार, और 5 मिनट लोग को देखो तो व्यूज भी एकदम भर भर के मिलता है, मेहनत लगता है बेटा, कोई चीज इतना रफ रफ थोड़ी होती है बेटा, एजुकेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है दुनिया के अंदर एजुकेशन, तो 5-10 मिनट में थोड़ी काम चलता है, एक एक घंटा दो दो घंटा एक एक महीना चले जाता है लेक्चर के अंदर, तब जाके किसी एक चीज के अंदर हम लोग मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठे के देखने का अच्छे से, कुछ डाउट आ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करो पूछो क्लियर कर देंगे, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, क्या लिखा है पढ़ो जरा, लिखा वेरीफाई द पॉइंट पी, पी लिखा आपको -2,2, क्यू 2,2, आर 2,7 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी बोल रहा है कि आप पता करो कि जो ये पॉइंट्स है इनसे जो डिस्टेंस निकलेगा वो है ना राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करते हैं, ये चेक करना, वेरीफाई का मतलब चेक करो। अब मैं तुमको राइट एंगल ट्राइंगल समझाता हूं, पहले देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें देखो तीन पॉइंट है, देखो पी हो गया, पी दे दो, क्यू दे दो, आर दे दो, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री। अब जहां पे जो भी ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है ना बेटा, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब जो उसका हाइपोटेनस है आर क्यू का स्क्वायर बराबर किसके रहेगा बेटा, आर पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के, ये मेन चीज होता है। मतलब क्या, अगर ये 2 है ये 3 है तो ये 5 होना चाहिए, देखो 2 का स्क्वायर 4, पी क्यू का स्क्वायर 9, सॉरी ये होता नहीं आपका, ये हो जाएगा 3, देखो 4, 4 का स्क्वायर 16, PQ का स्क्वायर 9, प्लस करने पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 25, 25 का रूट निकाल दो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, प्लस करो तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है, तो ये तब होगा जब आपका पॉइंट बराबर सही रहेगा, कुछ भी आ जाएगा, जैसे भी देखो मैंने गलती से 2 लिख दिया था ना, तो 2 का स्क्वायर करने पे 3 का स्क्वायर करने पे प्लस करके इसके स्क्वायर के बराबर आता नहीं आता, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट है ही नहीं है। जिस तरह कोलिनियर का देखे था ना हम लोगों ने, इसमें वैसी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो इसमें भी हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, आरपी का डिस्टेंस निकालेंगे, पीक्यू का निकालेंगे, आरक्यू का निकालेंगे, करके दिखा दो, देखो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पीक्यू निकालते हैं यहां से, डिस्टेंस ऑफ पीक्यू, अब देखो आप लोग समझ जाओ बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्स वन वाई वन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एक्स टू वाई टू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एक्स थ्री और y3। अभी डिस्टेंस ऑफ PQ फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो इन दोनों का क्या रहेगा फॉर्मूला, इसका x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x2 मतलब क्या, x2 मतलब 2 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर, क्यों देखो x2 आपका 2 है लेकिन x1 आपका माइनस 2 है, समझ गए ना, प्लस y2 कितना आपका बेटा 2 और y1 कितना बेटा 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे तो हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर तो कुछ होता है तो 16 ही देगा इधर पे, तो 16 चलो देख लो भाई अच्छे देख लो ना, बोलेंगे क्या करा दिया 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 0 द होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कुछ भी नहीं फालतू है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 4, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आ गया आपका बेटा 4 आ गया, समझ गए अच्छे से ना, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब क्या निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो लिख देगा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा इसका लगा दो, क्या रहेगा फॉर्मूला देखो, x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। अब x3 मतलब क्या बेटा, x3 मतलब 2 माइनस x2 मतलब 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 मतलब 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सॉल्व करो इसको, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 का स्क्वायर, 7 में से 2 क्या बचा 5, मतलब 5 का स्क्वायर,
और यहां पे अगर तुम निकालते हो स्क्वायर तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, छोड़ दो उसको। फाइव का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, और 25 से बाहर क्या जाएगा बेटा आपका 5, पास में आई कि नहीं अभी, तो 25 स्क्वायर 25 से बाहर क्या आ गया 5, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर तुमको कितना दिख गया बेटा 5 दिख गया। ठीक है आगे देखते हैं, दूसरा निकालेंगे, इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखो देखो आगे डिस्टेंस ऑफ पी आर क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, पी आर निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर तो इसका फॉर्मा कैसे रहेगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन द होल स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। एक्स थ्री कितना आपका, एक्स थ्री है आपका 2 माइनस एक्स वन कितना आपका, एक्स वन है आपका माइनस 2 ठीक है बेटा, प्लस वाई थ्री कितना आपका बेटा 7 माइनस वाई वन कितना आपका देखो 2 द होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर और 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस के अंदर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 11 1 और ये 41, मतलब रूट के अंदर 41, रूट तो निकलता ही नहीं इसका, डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना हो गया बेटा ये हो गया। ठीक है अब सब निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है कि नहीं करता है। हालांकि तुमको ये अजीब सा आंसर दे दिया लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, समझी नहीं सुनी, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, क्योंकि देखो पाइथागोरस का थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस अकेला होता, सबसे बड़ा चेक करना है, तो बताया कैसे था मैंने कि इसका रूट वाला नंबर देखा, ये 16 है ये 25 है, बड़ा कौन देगा फिर ये 41, मतलब क्या डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर द होल स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा बेटा वो ये छोड़ो के, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू द होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर द होल स्क्वायर, समझ में आई बात की नहीं आई, स्क्वायर के बराबर रहता है ना पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, डिस्टेंस ऑफ पी आर मतलब क्या रूट 41 का स्क्वायर कर दो और रूट ऐसे लगा दो ना, मतलब रूट के अंदर इसको स्क्वायर में डाल दो, पी क्यू मतलब 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो, क्यू आर मतलब 5 मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, ये और ये कैसे बचेगा, बचेगा खाली 41, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब क्या 25, प्लस करने पे 41 आएगा, इधर भी क्या आएगा 41 आएगा, देखो बराबर आ गया, देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लिख देना समझ गया ना, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा, ये आपका क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जस्ट कॉपी इट प्लीज।